और तुगलक के दौर में 1398 में वो बदमाश तैमूर आया, जो इधर से कल्लात के रास्ते से आया, मुल्तान को तबाह किया। ये मेरा छोटा सा कस्बा तो लंबा है, इसकी ईंट से ईंट बजा दी। फिर वहाँ से वो बठिंडा की तरफ निकला, उसे तबाह किया। बठिंडा से दिल्ली पहुँचा, उसे तबाह बर्बाद कर दिया। वो उसकी आदत थी, वो पहले दिन जब लश्कर घेरा डालता था ना शहर का, तो सफ़ेद झंडा लहराता था। इसका मतलब था कि हमसे सुलह कर लो, हमसे लो, तुम्हारा माल लूटेंगे, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अगर वो इस पर नहीं आते तो दूसरे दिन वो सुर्ख झंडा लहराता था कि मैं सिर्फ फौजियों को कत्ल करूँगा, आवाम को कुछ नहीं कहूँगा, तुम हथियार डाल दो। तीसरे दिन वो काला झंडा लहराता था कि अब मैं ना कोई बच्चा छोड़ूंगा, ना कोई बच्ची, ना औरत, ना मर्द। तो उसने दिल्ली पे हमला किया, आग लगा देता था शहरों को और जिंदा लोगों को दफन करवा देता था, और अपने दुश्मनों को जिंदा कड़ा के तेल में डाके अपने सामने जला देता था और लोगों की खाल उतरवा देता था। तो 1398 में वो असल में उसने चीन पे हमले का इरादा किया। तो उसने कहा पैसा कहाँ से मिलेगा, तो उसके मुशीरों ने कहा कि हिंदुस्तान बहुत मालदार है, यहाँ लूट मार करने आया था। तो उसके बाद 100,000 कैदी बना के वापस गया और सादात को हुकूमत दे गया, सादात ख़ानदान की हुकूमत। मैं मुख्तसर बता रहा हूँ ताकि आपके सामने एक तस्वीर आ जाए। तो वापस जा रहा था तो उसको सफ़र में दुश्वारी पेश आई कि 100,000 आदमियों को लेकर चला, उन्होंने सब के सर उड़ा दो ताकि हम आसानी से सफ़र कर सकें। सब के सर उड़ा दी। सादात ख़ानदान के बाद जब उनमें इंतशार हुआ और वो बिखर गए, तो लोधी ख़ानदान की हुकूमत आई, बहलोल लोधी। तुगलक में फिरोज़ तुगलक बहुत बड़ा बादशाह था। ये जो मकबरा बना हुआ है मुल्तान में शाहरुख आलम रहमतुल्लाह का, ये फिरोज़ ने अपने लिए बनवाया था।